हम बात कर रहे हैं रेणुका शुगर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ रेणुका शुगर में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 53 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, लगातार गिरावट देखने के लिए मिली। हमने डिस्कस भी किया था कि अगर इस सपोर्ट को यानी 52 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 4850 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट रहेगा और रेणुका शुगर के लिए, और देख सकते हैं उसी सपोर्ट के आसपास से स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बड़ी सेलिंग स्टॉक ने दिखाई थी, इससे पहले इतनी बड़ी सेलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिली। छोटी मोटी गिरावट आती थी, स्टॉक अगेन अपने सपोर्ट पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा था। तो अब यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ज़्यादा नहीं, क्यों अगर स्टॉक जम दिखाता है तो 50 तक का जम दिखा सकता है, जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है 50 का लेवल, जहाँ से इससे पहले मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है और सपोर्ट भी लिया था। यहाँ तक का जम दिखा सकता है, यहाँ तक के जम के बाद रिजेक्शन लेकर 48 के लेवल को ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर 44 तक का भी फॉल दिखा सकता है। इसके लिए तगड़ा सपोर्ट रहेगा, आखिरी सपोर्ट भी मान के चल सकते हैं रेणुका के लिए 44 का लेवल। लेकिन जैसा हमने कहा कि जम्प आता है तो 50 तक का जम दिखा सकता है, लेकिन अगर जम्प के साथ 50 का लेवल ब्रेकआउट कर गया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे गया तो उसके बाद फिर रेणुका शुगर में अगेन हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 52 और इस हाई के ब्रेकआउट के साथ 54 तक का भी जम रेणुका शुगर दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट फिर स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।